बेकार मार रहे हैं। हमने सबसे पहले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, क्या पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर। तो हम मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, कंप्यूटर इज अ प्रोसेसिंग मशीन विच गैदर डाटा विद इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डाटा विद प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डाटा विद आउटपुट डिवाइस एंड स्टोर द डाटा विद स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसा आला है, एक ऐसी मशीन है जो डाटा को प्रोसेस करती है, ठीक है, जो डाटा को लेती है इनपुट डिवाइस से, प्रोसेस करती है प्रोसेस डिवाइस से, स्टोर करती है आउटपुट करती है आउटपुट डिवाइस से, और स्टोर करती है स्टोरेज डिवाइस से। इसी तरह कंप्यूटर के चार मेन फंक्शन हैं जिसमें हम इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज का नाम लेते हैं, ठीक है। चार मेन फंक्शन है कंप्यूटर, कितने हैं? चार मेन फंक्शन है कंप्यूटर के, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। इसी तरह आपने पढ़ा था कि इसके चार तरह के डिवाइसेज हैं, चार तरह के वो डिवाइसेज कौन से हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज। अच्छा जी, इनपुट के अंदर आप क्या करते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपका टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, आपका कोई भी इस तरह का साइन है, जैसे आप कहते हैं कि पलक का झपकना एक साइन है, आपका वेव हैंड करना एक साइन है। अच्छा जी, आपका चल के जाना, दरवाजे का ओपन होना, इसी तरह आप चाहते हैं कि मेरा बल्ब का बंद हो जाना, ये जो है ये सेंसर टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी आजकल डिवाइसेस के अंदर आ गई है। आपका मोबाइल है वो पिक्चर आपका ऑन करना चाह रहा है, पिक्चर लेना चाह रहा है या वीडियो बनाना चाह रहा है, तो वो दूर से ही आपने इंस्ट्रक्शन दी है कि जब मैं उधर ठहरा हूँ और मैं सामने आऊँ, जैसे ही मैं सामने आऊँ मेरा स्माइल फेस जो है स्माइल करे और मेरी पिक जो है वो बन जाए, ठीक है। तो इस तरह के ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो सेंसर के ऊपर हैं, और वो डिवाइसेस की नौइयत चेंज हो रही है, जिस तरह इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, कैमरा, कैमकॉर्डर एंड टच स्क्रीन, अब तो टच स्क्रीन भी नहीं करते, जस्ट वो ऐसा कुछ सेंसर लगा हुआ है, आपने दूर से ही ऐसे किया है, जैसा कि आपने फेस रिकग्निशन है, आपका थंब रिकग्निशन है, थंब रखते हैं फेस को, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि एक लड़की जो है अपना पासवर्ड रख लेती है फेस के ऊपर और वो बार बार मेकअप कर रही है लेकिन वो उसका ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह इनपुट डिवाइसेस जो है वो अब सेंसर टेक्नोलॉजी, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी लोग यूज कर रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी है, हजारवें हिस्से का जो आइटम आप पढ़ रहे हैं उसके हजारवें हिस्से के ऊपर जो हम डिस्कशन करते हैं उनको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह प्रोसेसिंग डिवाइस है, मैंने आपको बताया तीन तरह के प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसर जिसको सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU और CU। ALU का काम करना ये होता है कि वो जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारी तरह के जो फंक्शंस हैं वो किसके काम है, वो एक ALU के। और इसी तरह कंट्रोल यूनिट है CU, वो अदर देन कैलकुलेशन, जैसे आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर अमल करना, आपको डिस्प्ले दिखाना, आपको व्यू करना, ये सारे काम CU कर। इसी तरह मदरबोर्ड, मेन सर्किट ऑफ कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करने में आता है। इसी तरह रैम के बारे में आपको बताया था, फिर हम आ जाते हैं आउटपुट में। इसी तरह आप देखते हैं हमारे पास प्रोजेक्टर है, आपके पास मॉनिटर है, रेदर दम अगर इनके अंदर अक्साम के ये मॉनिटर जो है वो CRT है, वो LCD है, वो LED है, ये बाद की बात है, हम ये इसी तरह आपके पास प्रिंटर है, वो कॉम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, वो लेजर जेट है या डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास जो है आपके स्पीकर हैं, तो छोटे स्पीकर हैं और बड़े स्पीकर हैं, फिर बूफर्स हैं, तो हेडफोन है, ये इनकी स्टडी बात। इसी तरह स्टोरेज में आपके देखते हैं मेमोरी कार्ड है, रैम है, मेमोरी कार्ड है, आपके पास हार्ड डिस्क है, आपके पास USB है, आपके पास जो है CD है, आपके पास DVD है, और इसी तरह और डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये चार फंक्शन, और इन फंक्शंस के हमने डिवाइसेस को देखा। फिर मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज डाटा, ऐसे ही है ना,
मैंने आपको बताया था व्हाट इज डेटा। डेटा आपने क्या बताया था जी डेटा के बारे में? रॉ मटेरियल। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। आम चीज, आम जगह, आम मालूमात, आम हिदायत, गपशप, झूठ मूठ, इस तरह की बहुत सारी ऐसी मालूमात का मजमुआ जिसको आप कह लें कि जो एक हकीकत पर मबनी ना हो और उसमें शक को शुबहात हो, तो इस तरह की मालूमात हमारे पास क्या कहलाती हैं? डेटा। फिर मैंने आपको आगे पढ़ाया था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है जी? रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स। रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स, खास चीज, खास जगह, खास नाम, खास हिदायत, वो तमाम ऐसी हिदायत का मजमुआ जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर दे, सच हो, रियलिटी हो, जिसमें हकीकत हो, जिसमें झूठ शामिल ना हो, परफेक्ट इंफॉर्मेशन हो। 2 + 2 = 4, 2 और 2 = 4 होते हैं। ये एक एग्जैक्ट आपको बात, अगर आप 100 टाइम्स भी ये इंफॉर्मेशन दोहराएंगे और ये कैलकुलेशंस करेंगे तो वो 4 ही होगा। ठीक, इसी इसके आगे मैंने आपको बताया था नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रेलेवेंट वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉलेज। फिर हमने पढ़ा था कि नॉलेज, अगर हम नॉलेज से क्या करते हैं, फिर हम करते हैं एक्सपीरियंस। व्हाट इज एक्सपीरियंस? लॉट ऑफ नॉलेज रेलेवेंट वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। देन हम अगर हम एक्सपीरियंस मैन बन जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? वी प्रोवाइड अ विजडम। वी प्रोवाइड अ विजडम। जब हम लोगों को नसीहत करना शुरू कर देते हैं, हम नसीहत कब करते हैं? नसीहत उस वक्त करते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी ना नारी। हम वो बात हम क्यों करते हैं जो आप खुद नहीं करते? कुरान पाक में भी अल्लाह ताला आपसे पूछता है, ऐसी बात ना कहो जो तुम नहीं करते। ठीक है जी, वो बात करो जो तुम करते हो। मींस कि किसी को भी आप फॉलो कर रहे होते हैं, किसी को आप अपना रोल मॉडल बना रहे होते हैं, तो वो आप विजडम उस वक्त असर करेगी जो बात दिल से निकलती है, असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज रखती है। जो बात दिल से आप कहेंगे किसी को, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, मैं आपको कहता हूं जी आप नमाज पढ़े, मैं खुद झूठ बोलता हूं आपको कहता हूं भाई झूठ ना बोले। ठीक है जी, तो ये इस तरह की, यानी मैं खुद झूठ बोल रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप क्या करें झूठ जी, आप अदब किया करें। अगर मैं खुद अदब नहीं करता तो आपको कहूं कि आप अदब करें तो असर नहीं रहेगा। तो मींस डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, देन मॉडल। मैंने एक एग्जांपल दी थी डेटा, आप हमने एक एग्जांपल ली थी आम नाम से अली। ठीक है जी, अली नाम से हमने एक एग्जांपल ली थी कि अली कोई ऐसा नाम है, जैसा मैं अगर किसी क्लास से पूछता हूँ कि अली कौन है, तो किसी का फर्स्ट नेम होगा, किसी का लास्ट नेम होगा। तो इसी तरह और भी अगर पूरी यूनिवर्सिटी में हम सर्च करना चाहें तो बहुत सारे नाम निकल आएंगे। तो ये एक डाटा है। अच्छा जी, अली के बारे में हम डिपार्टमेंट चेक करेंगे, उसका इसका जो है प्रोग्राम चेक करेंगे, इसकी फैकल्टी चेक करेंगे। अच्छा जी, इसी तरह हम इसका जो है क्लासरूम चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हम रोल नंबर, मसलन आपका रोल नंबर क्या है जी? 40। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद उमर। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। आपका प्रोग्राम कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेशन, बीएसपीए। बीएसपीए। अच्छा जी, आपका शिफ्ट कौन सी है? मॉर्निंग। ठीक है जी, आपका मॉर्निंग है, सेमेस्टर कौन सा है जी? फर्स्ट।
फर्स्ट सेमेस्टर सेक्शन है। अच्छा जी, इसी तरह आप ये देख लें कि रोल नंबर 40 मोहम्मद उमर पॉलिटिकल साइंस बीएस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मॉर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर। ये एक इंफॉर्मेशन है, डाटा काफी सारा था इसका, ठीक है, डाटा कई चीजों का। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते, अगर आपके पास 100 अल्फाज हैं, जैसे आप देखते हैं लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर प्लस लेटर्स मेक्स अ वर्ड, ठीक है, अल्फाबेट के साथ अलिफ बे फे, ठीक है जी, लफ्ज है लाम फे, आगे क्या है जी, लफ्ज जोइन, ठीक है, अच्छा इसी तरह एल ई डबल टी ई आर लेटर, ठीक है, एल ई डबल टी ई आर लेटर, ये अल्फाबेट्स का मजमुआ करते हैं एंड तो हमसे एक वर्ड बनता है। जब वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड हम करेंगे तो हम क्या बनाएंगे, मेक्स अ सेंटेंस, सेंटेंस एस प्लस मेक अ पैराग्राफ, पी प्लस मेक अ लेटर, एस ए लेटर, सो ऑन एंड ई प्लस मेक अ स्टोरी बुक, ठीक है। इसी तरह ये भी सेम है कि आप जब डाटा है, अगर आपके पास 100 वर्ड्स हैं तो आप क्या बना सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के पास के ऊपर आपके पास 100 मालूमात हैं तो आप क्या बनाएंगे, अगर उसके पास 100 दफा आपके पास नॉलेज है तो आप क्या बनते हैं, यानी कि किसी एक चीज को एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हुए